प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सबने इस बात को कहीं ना कहीं जिक्र किया कि इसके अंदर कुछ टीदिंग प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इश्यूज हैं, उसको एड्रेस किया जाएगा जी। टैक्स की कोई भी रिजीम हो वो रिजीम सक्सेसफुल होनी चाहिए, उसमें से इवेजन एकदम से रोक दी जानी चाहिए, इसके बारे में कभी दो राय हो नहीं सकती। पर जो सोचने लायक बात है वो ये है जी कि अगर आप इस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि कच्चे बिल पक्के बिल जी, तो क्या जो मशीनरी आज से पहले ये कच्चे बिल नहीं रोक पाई वो मशीनरी अब आने वाले समय में इनवॉइसिंग को किस तरीके से करेगी, इसके ऊपर जब इतने बड़े लेवल के ऊपर आप रिकॉग्नाइज करके बात कह रहे हैं जी। तो प्रधानमंत्री जी ने ये बात करी कि मिस्टर मोदी सेड दिस थिंग, इट इज ए गुड एंड सिंपल टैक्स जी। गुड एंड सिंपल टैक्स ये डेफिनेटली है फॉर दोज जिन्होंने इसे इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन क्या ये उन लोगों के लिए जो ग्रास रूट लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट करके इनपुट टैक्स क्रेडिट को स्ट्रीमलाइन करने की इनवॉइसिंग सिस्टम से करेंगे, उनके लिए गुड एंड सिंपल है कि अब उनको एक और एडिशनल एडवाइजर चाहिए जो उन्हें बैठ करके बताएगा जी। और अगर उसने गलत सलाह दे दी तो उसका खामियाजा उसी को भुगतना पड़ेगा। ये टेक्निकल डिफिकल्टी है, सबने माना है इसको जी। उसके बाद जो असली बात सामने आती है, जो सिटीजन है, टैक्स तो नागरिक दे रहा है, पहले वो इसको डिफरेंट टैक्सेस की फॉर्म में दे रहा था, अब वो एक ही पॉइंट के ऊपर जाकर के पे हो जाएगा जी। लेकिन क्या उसमें से वो सारे का सारा 100% एक्सचेकर में पहुंचेगा कि या अभी भी उसमें से कुछ स्लिपेज होगी, वो डिपेंड करेगा कि इस सारे सिस्टम को आप किस तरीके से फेल सेफ बनाते हैं जी। अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, उस बात से मैं सहमत हूं कि इस पर्टिकुलर टैक्स से स्टेट और सेंटर की जो वर्किंग में एक सिम्फनी क्रिएट होगी जी, उससे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रीम में जो हम एक देश का सपना देखते हैं उसको स्ट्रेंथ डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि जहां पे फाइनेंशियल कमिटी आ जाती है वहां पे एक तरीके की कमोडिटी बन जाती है। बट यस, ये चीज तो हो जाएगी, बट क्या ये देश सारे देशवासियों का है या कि सिर्फ उन देशवासियों का है जो कानून बनाने के प्रावधान में होते हैं और जो इस कानून से होने वाली उत्पत्ति के मैक्सिमम बेनिफिशियरी होते हैं जी। मुझे खुशी होगी अगर इस टैक्स से हमारे आने वाले समाज में पूरे देश के देशवासियों पर हॉरिजेंटल बेनिफिट होगा जी, ताकि हमारी वर्टिकल प्रोग्रेस हो सके जी। वो चीज देखने के लिए हमें समय का इंतजार करना होगा, हमें अपनी शुभकामनाएं इतनी अच्छी इच्छा के लिए देनी चाहिए जी। पर यस, हमें इस चीज के ऊपर एक गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ऐसे नहीं कहना चाहिए कि जैसे कि हमारे डीलर कम्युनिटीज में बहुत सारे लोग जी, आप उनको एक कैटेगरी बना दें कि ये गलत है, ऐसा नहीं है।